यूक्रेन युद्ध में बेकसूर लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान में सत्ता के खेल में इमरान खान मैच फिक्स कर चुके हैं। इमरान खान ने पहले पाकिस्तान की संसद में डिप्टी स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव को गिरवा दिया और उसके बाद राष्ट्रपति से संसद भंग करवाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब सत्ता का पेच सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, जिस पर कल फैसला आ सकता है। हालांकि सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आया है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने संसद भंग करने की कामयाब सिफारिश की हो। 1988 में मार्शल लॉ खत्म होने के बाद बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 1990 में चुनाव हार गई और दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाई। 1993 में नवाज शरीफ ने असेंबली भंग की थी, लेकिन उसके बाद हुए चुनावों में उनकी पार्टी हार गई। 2008 में तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ खत्म करने के बाद चुनाव करवाया, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने उन्हें भी नकार दिया। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो इस बात की आशंका बढ़ सकती है कि इमरान खान के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो सकती है। इमरान खान के बाउंसर से विपक्ष आखिरकार क्लीन बोल्ट हो गया। पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिराकर विपक्ष के सपनों की गिल्ली उड़ाई, फिर राष्ट्रपति से संसद भंग करवाकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करवा दिया और विपक्ष को पवेलियन वापस भेज दिया। बची कुची उम्मीद विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से थी, तो वहां भी कल की तारीख मिल गई। जब राष्ट्रपति ने ही चुनाव के आदेश दे दिए हैं, तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिलेगी ये ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इस पूरे गेम को देखकर ये साफ है कि इमरान खान ने जैसा मैच फिक्स किया था बिल्कुल वही हो रहा है। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और संसद भंग मामले में आज दोपहर करीब 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान बिलावल भुट्टो की पार्टी के वकील फारूक नाइक ने फुल बेंच के गठन की मांग की। इस पर 5 जजों की बेंच ने बिलावल के वकील को जोरदार फटकार लगाई और कहा कि अगर बेंच पर सवाल उठाए तो सुनवाई रोक दी जाएगी। करीब 1 घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के पास संसद भंग के आदेश को निरस्त करने का अधिकार है। आसान भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की टोपी पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर ट्रांसफर कर दी। हालांकि कुछ देर बाद मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने यह कहकर मामले को कल तक टाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ इस आस में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर संविधान के खिलाफ खुलेआम विद्रोह का मुकदमा चलाए और आर्टिकल 6 के तहत सजा सुनाए। विपक्ष की ये मांग दिन में सपने देखने जैसी है, क्योंकि संविधान को कुचलने वाले पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को आज तक आर्टिकल 6 के तहत कोई सजा नहीं मिल पाई है।